परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक और साधिकाओं को जय जिनेंद्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है योगाभ्यास। योगाभ्यास के द्वारा हमें अगर स्वस्थ रहना है तो योगाभ्यास नियमित करना है। नियमित सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। खड़े होकर हम पहले वार्म अप 5 मिनट हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद कुछ आसन लेंगे खड़े खड़े। आज पहले पूरे शरीर को वार्म अप करने के लिए हम रनिंग अपनी जगह खड़े खड़े दौड़ने की क्रिया। रिलैक्स, शरीर में गर्माहट आ रही है, वार्म अप हो रहा है शरीर। नेक्स्ट, अगली क्रिया में हम पैरों को फैलाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए क्लैपिंग करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को फैलाते हुए एक दो। अभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हम जंपिंग करेंगे। जंपिंग रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे श्वास भरते हुए, एड़िया उठाते हुए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए। Next.
बाबा हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, एड़िया उठाते हुए पंजों के बलाना है और वापस हाथ नीचे लाते समय एड़िया नीचे तक लाना है, क्रॉस के साथ श्वास छोड़ना है, इससे हमारे पैरों में, कंधों में, फेफड़ों में मजबूती आती है। करीब करीब 4-5 मिनट का हमने वार्म अप का प्रयोग, जिसमें हमने 3-4 तरह के वार्म अप एक्सरसाइज की। अब हमें सीधे खड़े रहना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, कंधों के समान फासला, पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, नजरें सामने, आंखें खुली हुई, एक स्थान पर एक तक देखना, संपादासन। श्वास मन खड़े खड़े और भी कुछ आसन लेंगे। अभी हम दोनों पैरों पर खड़े हैं, नेक्स्ट भी एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करेंगे, जिसे हम कहते हैं वृक्षासन। वृक्षासन नेक्स्ट पैर बदलते हुए दूसरे पैर से बैलेंस बनाइए, दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स, पैर नीचे, दोनों हाथ नीचे लाते हुए रिलैक्स। वृक्षासन का अभ्यास अभी हमने किया, वृक्षासन में हम दूसरे प्रकार से करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, पैर के तलवे को ऊपर की ओर इस तरह रखेंगे, पैर का तलवा जो है ऊपर की ओर रहेगा और दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए रहेंगे, दोनों हाथ जोड़िए, बहुत बढ़िया। इस तरह से पैर के तलवे को ऊपर रखते हुए दोनों हाथ जोड़िए, फिर दूसरे पैर से करेंगे, इस तरह से आपको अभ्यास करना है एक पैर पे खड़े रहने के लिए। रिलैक्स, नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंसिंग आसन में नटराज आसन। नटराज आसन में दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाइए, पंजों को खोल दीजिए, एड़ियां मिलाते हुए पंजों को बाहर की ओर पूरा खोल दीजिए, 180 डिग्री का एंगल, हाथ जुड़े हुए, दोनों एड़ियां उतर उठाते हुए नीचे आना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए नटराज आसन। बैलेंस बनाइए पंजों के बल, एड़ियां ऊपर लेते हुए, श्वास नॉर्मल, धीरे धीरे वापस सीधे, एक बार और करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, श्वास भरते हुए ऊपर। पैरों की मांसपेशियों में खींचाव महसूस हो रहा होगा आपको, तो पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अब करेंगे हम नटराज आसन दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में दोनों पैरों में पहले फासला, फिर एक पैर आगे ले लीजिए, एक पैर आगे लेते हुए दूसरे पैर को उठाते हुए पीछे इस तरह से पकड़ रहा है, सामने थोड़ा सा झुकते हुए हाथ साथ, देखिए इस तरह से, वेरी गुड,
सत्यनारायण जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बैलेंस बनाइए। पकड़िए पैर को और सामने झुक जाइए, तो अब दूसरे पैर से करें। वेरी गुड, थोड़ा सा और झुक सकते हो, बैलेंस हाथ बिल्कुल सीधा सामने फैलाते हुए, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, संगीता जी ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया। हथेली बढ़िया, रिलैक्स। बैलेंसिंग आसन अभी हमने नटराज आसन दो प्रकार से किए, अभी हम कमर के लिए करेंगे कोणासन। कोणासन कोणासन में दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए रहेंगे, एड़िया पंजे मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाए। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर लीजिए, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर तक की ओर कान से सटा हुआ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकिए, झुकिए झुकिए, जितना झुक सकते झुकिए। इस साइड आपको खिंचाव महसूस होगा, उसे महसूस कीजिए, कहाँ खिंचाव आ रहा है। श्वास भरते हुए सीधे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब दूसरा हाथ ऊपर लीजिए, इस बार लेफ्ट हैंड ऊपर है तो राइट साइड झुकना है, एक दो, एक दो, एक दो। अब इसी क्रिया को हम चार की गिनती के साथ करेंगे, हाथ बदलते हुए करेंगे, एक में राइट हैंड ऊपर, दो में लेफ्ट साइड झुकिए श्वास छोड़ते हुए, तीन में श्वास भरते हुए वापस सीधे, चार में हाथ नीचे, हाथ बदलिए, एक दो चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। कमर के लिए है, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इस साइड और इस साइड मांसपेशियों में खिंचाव आने से वहां से हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो कोणासन का अभ्यास अभी हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे अब पाद हस्तासन। पाद हस्तासन
आगे झुकने वाला आसन है, तो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में वो ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। पादहस्तासन, दोनों हाथ ऊपर, नजरें ऊपर, दो में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। जितना नीचे झुक सकते हैं नीचे झुकना है, पैर बिल्कुल सीधे रखते हुए, और कोशिश करना है आपका ललाट या नाक आपके घुटने को टच करे। तीन में वापस श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ ऊपर, चार में हाथ नीचे, साथ साथ सभी करें। एक, दो, तीन, चार, एक राउंड और, एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हमने आगे झुकने वाला आसन किया, तो अभी इसके साथ हमें पीछे झुकने वाला आसन भी करना बहुत जरूरी होता है। तो पीछे झुकने के लिए क्या करना है, हमें पूरा बैक साइड बेंड करना है। बैक साइड बेंड करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल पीछे झुक जाइए, पीछे झुक जाइए, जितना झुक सकते हैं झुकिए। बहुत बढ़िया, हाँ रुकिए थोड़ी देर, रुकना है। इस तरह से धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस क्रिया को हम दोनों हथेलियों को कमर पे रखते हुए भी कर सकते हैं, दोनों हथेलियां कमर पे रखते हुए झुकिए। वेरी गुड, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सीधे, एक बार और, एक, दो, बहुत बढ़िया, रिलैक्स, रिलैक्स। तो अभी हमने आसन किया, इसका नाम है अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट हम करेंगे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट देने के लिए, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ फैले हुए इस तरह से, पूरा ट्विस्ट देना है। कटी चक्रासन, कटी चक्रासन, पूरा पीछे घूम जाना है, धीरे धीरे वापस आना है और दूसरी साइड से पीछे घूमना है। कटी चक्रासन, जैसे आसन का नाम है कटी, कटी यानी कमर, कमर को चक्र की भांति ट्विस्ट देना, कटी चक्रासन। इस तरह दोनों हाथ फैलाते हुए, पैरों में गैप रहेगा, पूरा ट्विस्ट, वापस आइए दूसरी ओर से। बहुत बढ़िया, जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट हाथ तो है ये हमारे कंधे पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड को भी यहां तक किया है इस तरह से।
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कटी चक्रासन कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ फैले हुए, तो जब हम लेफ्ट साइड घूमेंगे तो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड यहाँ पीछे कमर पर आ जाएगा। इस तरह से पूरा घूमना है और दूसरा हाथ कंधे पे। इसमें हाथ जैसे हमने फैले हुए ना, ये हाथ कंधे पे आएगा तो दूसरा हाथ बिल्कुल पीछे चला जाएगा। इस तरह से कोशिश वापस आइए और दूसरी ओर। हाँ बहुत बढ़िया सत्यनारायण जी बहुत बढ़िया। इस तरह से हाथ फैले हुए रहेंगे, हाथ कमर पे आ जाएगा सर। वापस आते समय दूसरी हाथ को कमर को लेते हुए इस तरह से। तो ये कटी चक्रासन हमारे कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसका अभ्यास भी हमें हमेशा करते रहना चाहिए। रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम। कमर के लिए एक और आसन है जिसका नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हम दो प्रकार से करते हैं। त्रिकोणासन भी त्रिकोणासन सबसे ज्यादा फायदा किशोर बच्चों के लिए, जिनके चेहरे पे मुहासे निकलते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। हम आसन करते हैं तो हमारा चेहरा तमतमा जाता है, लाल हो जाता है, तो मुहासे जिनके निकलते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। करना कैसे है? त्रिकोणासन दो प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार में पैरों को फैलाइए, दोनों हाथ बिल्कुल फैले हुए, बिल्कुल फैले हुए। अब राइट साइड झुकते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है और लेफ्ट हैंड ऊपर छत की ओर जाएगा। गर्दन ऊपर करते हुए लेफ्ट हैंड की अंगुलियों को देखना है। इस तरह से नीचे झुकना है, नजरें ऊपर गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए वापस सीधे। अब दूसरी ओर जो हाथ ऊपर जा रहा है उस हाथ के अंगुलियों को देखना है, गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए। दोनों हाथ फैलाइए, चार की गिनती के साथ कीजिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। जिनके वीडियो ऑनलाइन में देख रहे हो बहुत बढ़िया है। पेट भी कम होगा, कंधे भी मजबूत होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे और साथ में चेहरे की चमक भी बढ़ेगी। रिलैक्स। अब दूसरे प्रकार में दोनों पैर फैलाइए, पैरों में जितना फासला कर सकते हैं फासला कीजिए। राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को तिरछा कर लीजिए, लेफ्ट पैर तिरछा, राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, राइट पैर के घुटने को सीधा रखेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए, राइट पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए नीचे झुकना है। घुटने के सामने से हथेली को नीचे तक लाना है, फर्श तक ले जाना है। धीरे धीरे वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले लीजिए। अब पैरों की पोजीशन बदलेंगे। इस बार लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर तिरछा, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड झुकी,
वापस आइए। बहुत बढ़िया, एक राउंड और करें चार की गिनती के साथ, एक दो तीन तीन में वापस सीधे हाथ ऊपर, चार में हाथ नीचे, वेरी गुड। चेहरे में लग रहा है कुछ, चेहरा तमतमा रहा है ऐसा आपको महसूस होगा, रिलैक्स रिलैक्स। तो त्रिकोणासन का नेक्स्ट हम करेंगे महावीर आसन। महावीर आसन, महावीर आसन कैसे किया जाता है? सुचेता जी मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूं, पहले दोनों हाथों को कमर पे लीजिए, दोनों पैरों को फैलाइए, पैरों में गैप रहेगा। अब एक पैर आगे लीजिए, हाथ पीछे पीछे कमर के पीछे बांधिए, एक दूसरे को पकड़िए, हाँ अब ठीक है। अब नीचे झुकते हुए नाक को बिल्कुल नीचे तक लेकर आना है, सत्यनारायण जी कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और नीचे तक लाने का प्रयास करना है, कोशिश करना है हमारा ललाट जो है बिल्कुल जमीन तक आ जाए, जबरदस्ती नहीं करना है। संगीता जी बहुत बढ़िया, सत्यनारायण जी बहुत ही बढ़िया प्रयास, सुचेता जी बहुत बढ़िया। सुचेता जी आप थोड़ा साइड व्यू दिखाइए ना, साइड से, हाँ अभी बराबर दिख रहा है। मैं इस तरह से देखिए, नीचे झुकना है, ललाट को कोशिश करना है नीचे तक आ जाए। श्वास भरते हुए सीधे, अब दूसरे पैर से करें, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे आना है, श्वास भरते हुए सीधे, रिलैक्स रिलैक्स। आसन का नाम महावीर आसन, आगे झुकने का प्रयोग है, तो जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है रीढ़ की हड्डी में उनको अवॉइड करना चाहिए, बाकी सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब हस्ती सुंडी का आसन, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है हस्ती सुंडी का आसन। दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से, हाँ मैं आपको सुचेता जी स्क्रीन पे ले रखा है, मैंने आप करके बताइए, दोनों हाथों को इस तरह से पैरों में फासला रहेगा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, बिल्कुल पीछे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है इस तरह से, हाँ वेरी गुड। फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे, कमर में जमी हुई चर्बी कम होगी, पैरों में जमी हुई चर्बी भी कम होगी। अस्थि सुंडी का आसन, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, संगीता जी बहुत बढ़िया, सत्यनारायण जी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। दस राउंड, बीस राउंड, पच्चीस राउंड, सत्ताईस राउंड तक आप कर सकते हो, सत्ताईस राउंड करने के बाद आपको रुक जाना है। रिलैक्स, सुचेता जी कैसा लग रहा है आपको, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रयोग, फेफड़े में जो
रिलैक्स हो जाता है ऐसे। फेफड़े की शक्ति फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, फेफड़े हमारे क्लीन होंगे और कमर कमर का भी बहुत ऐसे बैक होते हैं ना सर, बहुत अच्छा लगता है। मेन तो पेट कम होगा, इससे पेट कम होगा, वजन घटाना है तो आपको वैसे भी दुबली पतली है, लेकिन जो मोटे लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। जो भी हम फोर्स के साथ घूमते तो पूरा पेट ऐसे अंदर आता है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अस्थि शुंडी आसन का अभ्यास अभी हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन सबको पता है, दोनों पैर मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, वी का शेप दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए। इस तरह से सीधे खड़े हो जाइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आना है, बैलेंस बनाते हुए एड़ियां उठाइए, पंजों के बल आइए और साथ में मूलबंध लगाइए। मूलबंध मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए धीरे धीरे वापस एड़ियां नीचे, हाथ नीचे, और एक बार, एक, दो, एड़ियां ऊपर, पंजों के बल, तीन, एड़ियां नीचे, चार। बहुत ही बढ़िया ताड़ासन। कंधे मजबूत होते हैं, इसका मेन फायदा होता है जो बच्चों, जिन बच्चों की कद कम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, कद बढ़ता है बच्चों का। बराबर, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स। तो कुछ आसन आज हमने खड़े होकर किए जाने वाले हैं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल आसन लिए हमने। अब बैठना है तो कैसे बैठेंगे, दोनों पैरों में कैंची लगाइए और हथेलियों जमीन पर टिकाए बगैर आराम से बैठ जाइए। वेरी गुड, बगैर हथेलियों के सहारे से बैठना, बहुत बढ़िया, आराम से बैठिए। आंखें बंद रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, थोड़ी देर श्वास को देखिए। हम आसन करते हैं तो क्या होता है, हमारा श्वास जो है छोटा हो जाता है, तो श्वास को पहले नॉर्मल हो जाने दे। पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, श्वास को देखें। रिलैक्स। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम नियमित करना है, कोई भी आसन हम खड़े होकर करें, बैठकर करें या लेटकर करें, साथ में हमें 5-4 मिनट का प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो पहले हमें सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी हमने परसों भी बताया था आपको, सूर्यभेदी कौन सा स्वर, राइट स्वर, राइट स्वर हमारा चालू रहेगा सूर्यभेदी में। लेफ्ट को बंद कर देना है, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से लेना
राइट से ही छोड़ना। सूर्य भेदी दो प्रकार से किया जाता है, मैंने बताया था आपको, याद होगा। दूसरा प्रकार राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से शुरू करना है हमें, लेफ्ट से खत्म करना है। तो राइट से लेते हुए लेफ्ट से छोड़िए। अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है, गर्मी बढ़ रही है, तो हमें सूर्य भेदी में ज्यादा समय नहीं लगाना है, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। और गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो सूर्य भेदी हमें अवॉइड करना है, चंद्र भेदी करना है। चंद्र भेदी कैसे करेंगे? ऑपोजिट, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना। अब इसी को दूसरे प्रकार से करना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़। सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है हमने जाना, इसका अभ्यास हमें नियमित करना है। गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो चंद्र भेदी प्राणायाम में ज्यादा समय लगाना है। प्रभु समझ में आ रहा है? चंद्र भेदी करने से क्या होता है, हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है और सूर्य भेदी से गर्मी पैदा होती है। तो अभी सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम के बारे में जाना हमने। आज हम हास्य योग भी करेंगे, आखिरी में हास्य योग करेंगे। तो उससे पहले ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने वाला प्रयोग काफी दिन हो गया, मैं सोच रहा था बीच में अभी हमको एक दिन करवाना है। तो मैं सभी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ, गैलरी व्यू ले रहा हूँ। अभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ब्रह्मांड से ऊर्जा कैसे ग्रहण करते हैं हम, नहीं मनोज जी ये नहीं, ये वाला करेंगे। हाँ ये वाला है जो, ये हमारे एकाग्रता को बढ़ाने वाला प्रयोग है और इससे हम ब्रह्मांड से ऊर्जा किस तरह से लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, दोनों हथेलियों को इस तरह से सामने फैलाना है, हथेलियां ऊपर छत की ओर, और कोहनिया जो है ये बिल्कुल आपके पेट से सटी हुई रहेगी, हथेलियां बिल्कुल ऊपर इस तरह से फैली हुई रहेगी। जब मैं बोलूं हथेलियों को आमने सामने करें तब हथेलियों को इस तरह से करना है आमने सामने, और मैं बोलूं हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाएं तो धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे लाना है, नजदीक लाना है एकदम इस तरह से नजदीक, 3 इंच पे रोकना है, हथेलियों को मिलाना नहीं है, 3 इंच पे रोकिएगा।
जब मैं मिलाने के लिए बोलूं तो मिलाना है। तो यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे हमारे हथेलियों के पीछे गेंद है, उस गेंद को इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, जिस तरह है रोटी बनाते समय हम आटे का गोला बनाते हैं ना, तो कैसे घुमाते हैं इस तरह से हथेलियों को घुमाते हैं, उसी तरह से घुमाना है। तो आपको हथेलियों के अंदर कुछ घूमता हुआ महसूस होगा और हथेलियों में चुंबकीय शक्ति आपको महसूस होने लगेगी, हथेलियों में कुछ मैग्नेटिक पावर आ गया है तो आपको महसूस होने लगेगा। तो सभी साथ साथ कर सकते हैं, दोनों हथेलियों को इस तरह सामने फैलाइए, हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, मेदुन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद। अनुभव कीजिए ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा का सागर लहरा रहा, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा का सागर लहरा रहा है। चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित कर दीजिए और अनुभव कीजिए ये ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा अंगुलियों के माध्यम से हमारे हथेलियों में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति अंगुलियों के माध्यम से हथेलियों में प्रविष्ट हो रही, अंगुलियों के अंदर कुछ महसूस हो रहा है जैसे कोई सर कोई चीज अंदर आ रही है। सिद्धों की अनंत शक्ति अंगुलियों के माध्यम से हथेलियों में प्रवेश कर रही है। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर रही है, दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। हथेलियों में भारीपन महसूस हो रहा है, हथेलियां भारी 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 हो रही है, दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरती जा रही है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति सिद्धों की अनंत शक्ति हमारे हथेलियों में प्रवेश कर रही है, हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। अब अनुभव कीजिए दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर गई है, दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई। अब दोनों हथेलियों को आमने सामने कर दीजिए, आमने सामने हथेलियों में खिंचाव महसूस हो रहा है, आकर्षण महसूस हो रहा है, हथेलियां एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है। हथेलियों को धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली नजदीक लेकर आए, ज्यों ज्यों हथेलियां नजदीक आ रही है आकर्षण बढ़ रहा है, खिंचाव बढ़ रहा है, और नजदीक हथेलियों को 3 इंच के फासले पर रोक दीजिए, दोनों हथेलियों में 3 इंच का फासला। अब कल्पना कीजिए दोनों हथेलियों के बीच रबड़ की गेंद है, उस गेंद को गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, जिस तरह रोटी बनाते समय आटे का गोला बनाते समय हथेलियों को घुमाते हैं, उसी तरह गोल गोल घुमाइए घुमाइए। हथेलियों के अंदर कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा है, हथेलियों में कुछ गोल गोल घूमता हुआ महसूस हो रहा है। हथेलियों को रोकिए, दोनों हथेलियों में चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक पावर महसूस हो रहा है, एक हथेली नॉर्थ पोल दूसरी हथेली साउथ पोल, चुंबकीय शक्ति हथेलियों में आ गई है,
हथेलियां एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है, हथेलियां आपस में मिलना चाहती है। धीरे धीरे हथेलियों को नजदीक लाते हुए आपस में मिल जाने दीजिए। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई आपस में बिल्कुल मिली हुई, दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई आपस में मिल गई है। अब दोनों हथेलियों को रगड़िए, रगड़िए, जो ऊर्जा हमारे हथेलियों में आई है उसे पूरे शरीर में फैलाइए, पूरे शरीर में फैलाइए। मस्तिष्क, चेहरा, कंधा, छाती, पेट, जंघा, पूरे शरीर में फैलाइए। जो ऊर्जा हमारे हथेलियों में महसूस हो रही थी उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते हुए महसूस कीजिए। पूरा शरीर आपका एनर्जेटिक हो रहा है, शक्ति से भर रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। अच्छा लग रहा है, पूरा शरीर हमारा बिल्कुल ऊर्जा से भर गया है, एनर्जी से भर गया है, नई एनर्जी महसूस हो रही है शरीर में। तो अभी हमने हमारे शरीर को क्या किया, बिल्कुल चार्ज कर लिया। बैटरी से हम जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसी तरह हमने शरीर को चार्ज किया। तो इस तरह अगर हम प्रतिदिन सुबह सुबह अपने बॉडी को चार्ज कर लेते हैं तो हम पूरे दिन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं। तो अभी हमने ब्रह्मांड की जो शक्ति किस तरह से पहले हथेलियों में धारण की, हमने उसे महसूस किया और फिर पूरे शरीर में फैलाया। तो ये प्रयोग भी आप सुबह सुबह अगर करते हो तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अब हम करेंगे हास्य योग। हास्य योग तनाव दूर करने के लिए हास्य योग बहुत जरूरी है। बैठे बैठे हास्य योग करेंगे, सीधे बैठिए, पूरा श्वास भरिए पहले, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, दोनों हथेलियों से अपनी सारी समस्याओं को समेट लेना है और फिर हथेलियों को ऊपर की ओर इस तरह से फैलाते हुए सारी समस्याओं को क्या करना है, फिर हवा में उछाल देना है, लेकिन आवाज नहीं करना, बिना आवाज के। पहले हम एक श्वास में बिना आवाज किए हुए प्रयोग करेंगे, दूसरी बार जब करेंगे तो हम आवाज के साथ करेंगे, ठीक है। सीधे बैठिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हथेलियों से अपनी समस्याओं को समेटिए, समेट लीजिए सारी प्रॉब्लम्स को, और बिना आवाज किए हुए रिलैक्स। हंसना है मांसपेशियों को पूरा हिलाते हुए, और एक श्वास में आप जितनी देर तक श्वास को खींच सकते हो खींचते हुए हंसना है। देखिए आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, सारे तनाव सारे दिक्कत दूर हो जाएंगे, समझ में आ गया। एक बार और कीजिए बिना आवाज के, बिना आवाज के समस्याओं को समेटिए, दोनों हाथों से ऊपर उठाते हुए। रिलैक्स, माइंड हमारा फ्रेश, तनाव सारे गायब हो गए, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अब करेंगे आवाज के साथ, आवाज के साथ जितनी जोर से आवाज कर सकते हैं, अट्टहास करते हुए हास्य योग करना है। अपना अपना ऑडियो चालू कर ले, मैं सबको ऑप्शन दे रहा हूं, सबकी आवाज आनी चाहिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से समस्याओं को समेटिए और आवाज के साथ Ha 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 ha
माइंड फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ? यस अच्छी तरह से। सारे तनाव दूर हो गए? आपकी क्लास में तनाव कहाँ रहता है सर? तनाव नहीं, जो आपकी क्लास अटेंड करता है उसको तनाव ही नहीं रहता है। क्लास अटेंड करते हैं तब नहीं रहता है, बाकी दिन तो रहता है ना। तो बाकी दिन भी क्लास आप परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम कभी भी हास्य योग का अभ्यास कर सकते हो। बिल्कुल टेंशन से दूर रहने के लिए हास्य योग बहुत ही जरूरी है, बहुत बढ़िया प्रयोग है। हंसते रहो, मस्त रहो। तो अभी हमने सर ये खाने के बाद भी कर सकते हैं क्या, खाते की भी? देखिए जनरली तो हम क्या करते हैं, आसन करने के बाद ही करते हैं। आसन जब कर लिया, आसन के बाद हास्य योग से ही समापन किया जाता है। हमारे शिविरों में तो रोज होता है, शिविर होते हैं तो शिविरों में आखिरी में हास्य योग करते हुए करने के बाद खाना खाते हैं। आसन किया, हास्य योग किया, उसके बाद सर अपन भी रोज रखेंगे सर, अपनी क्लास में भी रोज रखेंगे, अपनी क्लास में भी रोज रख लेंगे। रोज कीजिए, शाम को थोड़ा गैप रखिए खाने से, खाने के बीच में थोड़ा गैप रखिए। तो अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने जिन्होंने अनम्यूट नहीं किया हो। और आज आपको आसन करने के बाद कैसा लग रहा है? बिल्कुल हल्के फुल्के आसन जो आसानी से किए जा सकते थे वही आसन हमने चुने आज। ज्यादा आसन हमने नहीं लिए, खड़े होकर किए जाने वाले आसन ही किए। तो सुचेता जी आपने आसन किए, बहुत बढ़िया लग रहा था। सत्यनारायण जी आपने भी किए। सर महावीर आसन में घोड़े बेंड हो गया क्या, नीचे झुके जब? महावीर आसन, महावीर आसन में पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। हाँ, पीछे वाला सीधा रहेगा, सामने वाला पैर को मोड़ना है। देखिए सुचेता जी करके बता रही है, मैं सुचेता जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ, एक मिनट आप करके बताइए सुचेता जी। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, इस तरह से। हाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है सुचेता जी? यस यस सर। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा है, सामने वाले पैर को घुटने को मोड़ते हुए नीचे तक आना है। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो ललाट जो है बिल्कुल आपका नीचे तक फर्स्ट तक आ जाएगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत से भाई बहन को मैं देखता हूँ बिल्कुल नीचे तक आ जाते हैं अभ्यास करने के। अब दूसरा पैर, पीछे वाला पैर सीधा है, सामने वाले पैर को घुटने को मोड़ते हुए नीचे आना है। रिलैक्स, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। सत्यनारायण जी आपने आसन किए है, आसन करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? इंद्र सर, भाई साहब प्रणाम, बोलिए। सभी भाई बहनों का शुभ आभार। बहुत बढ़िया आसन कर रहे थे। जी जी, हम आसन कर रहे थे लेकिन सुचिता दीदी को देख देख करके कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कहीं हम अपनी नस नहीं खसका लें। उनके आसन के जो पोज हैं वो इतने अच्छे आते हैं कि हम प्रयास करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। और निश्चित रूप से कितने दिनों से जुड़ी हुई जाम हो रहे हैं हम लोग, जो जाम हो जाते हैं वो जाम को खोलने या ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए बड़ा सुंदर प्रयोग रहता है। बहुत अच्छा लगा और एक नया अनुभव, नया प्रयोग जो मैंने अभी किया है शक्ति संचय का, मेरे लिए बड़ा अद्भुत रहा। और धीरे धीरे जो ये प्रयोग मैंने पहली बार किया तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में अपने आप खिंचाव हो रहा है। और आखिरी में जब हम गेंद बना रहे थे तो उस टाइम पे प्रतिकर्षण का भी मुझे ध्यान रहा, यहाँ पे फिर बुक वापस भी धकेल रहा था। इस तरह का बड़ा अच्छा प्रयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ब्रह्मांड से शक्ति ग्रहण करने का प्रयोग बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। और इसको आप अगर नियमित करते हो तो आप लकड़ी के पाटे में बैठ के किया कीजिए। लकड़ी के पाटे पे अगर बैठ के हम करते हैं तो जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। हम जमीन पे बैठ के करते हैं, फर्श पे बैठ के करते हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी आती है वो वापस है हमारी धरती, उसको खींच लेती है। तो लकड़ी के पाटे के ऊपर अगर बैठ के किया जाए तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। सर इसका अलग से वीडियो बना के डालो ना रोज करने के लिए। एक वीडियो डला हुआ है इसमें,
ग्रुप में डाला हुआ है, छोटा सा वीडियो है, शायद हमारे ख्याल से 7-8 मिनट का ही वीडियो है, आप फिर से डाल लेना सर, उसको वापस डालता हूँ। हाँ धन्यवाद। अलका जी सिसोदिया, अनिता जी कुछ कहना हो आपको, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। अलका सिसोदिया बोल रही पुणे से। हाँ बोलिए। हाँ बहुत अच्छा लगा सब, पूरा अंग जैसे एकदम उत्साह आ गया, जैसे पूरे बॉडी में इतना अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा ये। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। अनिता जी हाँ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रयोग बहुत अच्छा लगा सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रयोग बहुत अच्छा लगा। मैग्नेट अपने अंदर है ऐसा महसूस हो रहा था, आकर्षण हाथों का महसूस हो रहा था, उंगलियां जब भी चिपक जाते तो ऐसे बहुत एक वेव निकलती अंदर से, बहुत अच्छा। देखिए इसमें धीरे धीरे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है ना, आप उसी तरह से करना है आपको। मैं एक बार और बताऊं आपको, इस तरह से हथेलियां जब हमारे 3 इंच के दूरी पे आ जाती है ना, हथेलियां सटनी नहीं चाहिए, पहले आप यहाँ इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से, तो अंदर ऐसा लगेगा अपने हथेलियों में कुछ घूम रहा है, ऐसा महसूस होगा। जिस तरह गेंद है हथेलियों में, गेंद को घुमाते हैं अपन, उसी तरह घुमाना है। जब मैं बोलूं आप दोनों हथेलियों को मिल जाने दीजिए, तब मिलाना है, तब मिलाना है, तो हमारी एनर्जी जो हमारे हथेलियों में है उसे पूरे शरीर में भी उसे फैलाते हुए पूरे शरीर में धारण करना होता है। तो बहुत बढ़िया प्रयोग है, मैं बीच बीच में कराते भी रहता हूँ। तो अभी हमारा समय संपन्न हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ते हुए, और किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सुधा जी, नहीं तो हम समापन की ओर चले। हेमलता जैन, दीपा दयानी, बहुत सी बहने जुड़ी हुई जिनके वीडियो ऑफ है, देख नहीं पा रहा हूं मैं आपको। समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, मेरे साथ साथ उच्चारण करें आंखें बंद रखते हुए। मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब।